YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जाट आंदोलन को लेकर जाटों को नसीहत दी है और कहा है कि जाट शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखे तो सरकार जरूर इस ओर ध्यान देगी। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 में ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में फिट इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत जगह जगह पार्क में ओपन जिम बनाया जा रहा है और नगर निगम इस कार्य के लिए पार्कों का चयन कर रही है और इस चयन प्रक्रिया में वार्ड नंबर 7 के पार्क का भी चुनाव हुआ है। और इस पार्क के ओपन जिम के उद्घाटन में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे थे और यहां उन्होंने फिट इंडिया और ओपन जिम की महत्वता बताई और साथ ही आंदोलन के बल पर आरक्षण देने की कवायद करने वाले जाट समाज को राव इंद्रजीत सिंह ने मशवरा देते हुए कहा कि जाट समाज अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखता है तो सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार करेगी। वार्ड नंबर 7 के अंदर एक ही पार्क था और इन्वायरमेंटल डे भी आज है और इस पार्क के अंदर एक जिम बच्चों के खेल कूद के लिए, सेहत बनाने के लिए, कसरत बनाने के वास्ते अभी तक तो नहीं था, लेकिन मेरे टीम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आज वो भी इन्वायरमेंट डे के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है। उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया था और मैं खुशी खुशी इसका उद्घाटन करके जा रहा हूँ। देखिए, जाट आंदोलन अपनी तरफ से फिर से सुरंग रेजर्वेशन मांग रहे हैं। कहाँ तक ये बात वाजिब है तो भविष्य बताएगा, लेकिन अपनी बात कहने का सभी को अख्तियार है। जो भी कुछ कहना हो पीसफुल ढंग से कहना चाहिए और उसके हिसाब से अगर ये चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार पहले से ही सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों के ऊपर विचार करेगी।